मोदी सरकार के हर फैसले पर विपक्ष है तौबा मचाने लगता है, हालांकि फिर भी विपक्षी दलों की दाल नहीं गल रही है। हर चुनाव में बीजेपी अपना परचम लहरा रही है, बीजेपी के आगे विपक्ष टिक नहीं पा रहा है। यूपी के रामपुर और आजमगढ़ में हुए लोकसभा के उपचुनाव में भगवा लहराकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि 2024 में भी मोदी की वापसी तय है। बीजेपी की जीत ने विपक्ष की नींद उड़ा दी है, ऐसे में अब विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के एक और फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार युवाओं के लिए अग्निवीर योजना लेकर आई है ताकि युवा ज्यादा से ज्यादा सेना में भर्ती हो सके। इस योजना की जहां सभी तारीफ कर रहे हैं, वहीं विपक्ष मोदी सरकार की इस योजना पर जमकर राजनीति कर रहा है। विपक्ष के कई दल लगातार युवाओं को भड़काकर देश भर में प्रदर्शन करवा रहे हैं और मोदी सरकार को बदनाम करने में जुटे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के रिश्तों में पहले ही लंबी दरारें हैं, ऐसे में अब ममता बनर्जी को अग्निवीर योजना के जरिए एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। ममता बनर्जी ने सेना और युवाओं का अपमान करते हुए अग्निवीरों को बीजेपी का कार्यकर्ता करार दे दिया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि केंद्र ने राज्य सरकारों को पत्र भेजकर कहा है कि 4 साल नौकरी के बाद सेना छोड़ने वाले अग्निवीरों को अपने यहाँ नियुक्त करें। बनर्जी ने सवाल उठाया कि 4 साल बाद कोई भी राज्य बीजेपी कार्यकर्ताओं को क्यों नियुक्त करे। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो अपने राज्य के युवाओं को प्राथमिकता देंगी। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि ये योजना सिर्फ 2024 तक चलेगी। बता दें कि अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद देश भर में कई दिनों तक हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। दूसरी ओर हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित कई बीजेपी राज्यों ने सेवा के बाद अग्निवीरों के लिए नौकरियों की घोषणा की है, जबकि विपक्ष अग्निवीर योजना के नाम पर सिर्फ मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश में जुटा है और युवाओं को भड़काकर देश भर में दंगा फैला रहा है। हालांकि सेना ने जो आंकड़ा जारी किया है उसके मुताबिक 1 लाख से अधिक युवाओं ने अग्निवीर योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।